हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो इंडियन लोग कतर में फंसे हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं, वो अपने घर को आना चाहते हैं, वो अपने घर कैसे जा सकेंगे। अब तक लॉकडाउन के कारण फ्लाइटें बंद थी, जिसके कारण कोई भी आदमी अपने घर इंडिया नहीं जा पा रहा था। इसमें मजदूर लोग हैं जिनका काम चला गया है, कई सारे विजिटर लोग हैं और कई सारे लोग जैसे घर पर इमरजेंसी है, ये सभी को घर जाना ज़रूरी है। और तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि दोहा कतर से इंडिया के लिए फ्लाइट 9 जून से स्टार्ट हो गई है। ये अभी लिस्ट जारी कर दिया गया है, ये इंडियन एम्बेसी इन दोहा कतर के द्वारा जिनका लिस्ट जारी किया गया है अभी। तो इनका लिंक वीडियो के मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप लिस्ट डाउनलोड करके अच्छे से भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 27 फ्लाइटें हैं जो कि 9 जून से लेकर 30 जून तक फ्लाइटें होंगी। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, इसमें पूरा लिस्ट दिया गया है। इसमें देखिए फ्लाइट नंबर दिया गया है और प्रॉम कहाँ से कहाँ को जा रही है, रिवाइज शेड्यूल दिया है, डेट दिया गया है कितने तारीख में 9 जून से फ्लाइटें स्टार्ट है, डेस्टिनेशन दिया है कहाँ पे जा रही हैं और अरिवल आने का डेट और टाइम दिया है। इसमें पूरा शेड्यूल दिया है आपका पूरे महीने का। देखिए जून में 9 जून से फ्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं, जो 30 जून तक का पूरा डिटेल दिया गया है, पूरे जून महीने का डिटेल दिया गया, फ्लाइटें कहाँ से कहाँ को जा रही हैं। इसमें फ्लाइट नंबर भी जारी कर दिया गया। देखिए इसमें पहला दिया गया, देखिए IS 1576 जो दोहा से जा रही है 9 जून 2020 को 11:55 में तिरुवनंतपुरम, उसके लिए देखिए अरिवल टाइम भी दिया 9 जून 2020 18:55 पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया, IX 1774 जो दोहा से कानूर के लिए जा रही हैं 9 जून में ही। तो देखिए देखिए IX 1374 है जो दोहा से 10 जून में जा रही हैं कोझिकोड के लिए, और ये देखिए 1375 है चौथी फ्लाइट जो देखिए दिखा रहा है दोहा से 11 जून को जा रही हैं कोझिकोड के लिए। 11 जून में देखिए 1676 दोहा कतर से त्रिची के लिए जा रही हैं, और देखिए IX 1476 दोहा कतर से 12 जून को जा रही हैं कोची के लिए फ्लाइटें जा रही हैं। IX 1176 दोहा कतर से देखिए 12 जून को जा रही है दिल्ली के लिए, 13 जून को देखिए दोहा से कानूर के लिए है, और 13 जून में देखिए दोहा से फिर तिरुवनंतपुरम के लिए है, और दोहा कतर से देखिए IX 74 14 जून को दोहा कतर से कानूर के लिए है, और देखिए 1476 दोहा से कोची के लिए है। फिर 14 तारीख में देखिए दोहा से लखनऊ के लिए एक फ्लाइट है, और देखिए दोहा कतर से मुंबई के लिए 15 तारीख में एक फ्लाइट है, 15 तारीख में देखिए दोहा कतर से कोझिकोड के लिए एक फ्लाइट है, दोहा कतर से 16 जून में तिरुवनंतपुरम के लिए एक फ्लाइट है, दोहा कतर से 18 जून को कोझिकोड के लिए एक फ्लाइट है, और दोहा कतर से देखिए 18 जून में कोची के लिए फ्लाइट है, 18 तारीख में देखिए दोहा कतर से भुवनेश्वर वाया दिल्ली के लिए एक फ्लाइट है, और 19 जून में देखिए दोहा से तिरुवनंतपुरम के लिए है, 20 जून में देखिए दोहा से कोची के लिए है, और 21 जून में दोहा से मदुराई के लिए है, 23 जून में दोहा से देखिए कैम्बतूर के लिए है, और दोहा से देखिए 24 जून में है कोची के लिए, 26 जून में देखिए दोहा से त्रिवेंद्रम के लिए है, और 27 जून में देखिए दोहा से त्रिवेंद्रम के लिए एक और फ्लाइट है, और 29 जून को दिए दोहा से कानूर के लिए एक फ्लाइट है, और देखिए 1373 दोहा से 30 जून में कोझिकोड के लिए एक फ्लाइट है, जो 30 जून 6:30 शाम को पहुँचेगी। तो इसमें देखिए पूरा डिटेल दिया गया है, फ्लाइट नंबर कहाँ से कहाँ को जा रही है, किस डेट में जा रही है, कौन से टाइम में जा रही है, और कहाँ पे जाएगी, कौन से एयरपोर्ट पे जाएगी, यहाँ से दोहा कतर से कौन से एयरपोर्ट पे जा रही है, और कितने कौन से डेट में पहुँचेगी, कौन से टाइम में पहुँचेगी, पूरा शेड्यूल विवरण इंडियन एम्बेसी के द्वारा जारी किया गया है जो दोहा कतर में है, ये लिस्ट जारी किया गया है। आप इस लिस्ट देख के अपना फ्लाइट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको कहाँ जाना है अपना बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने फ्लाइट का विवरण जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर
अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। अगर ऐसी जानकारी भरी खबरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, आपकी जो भी समस्या आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।